घूमता हुआ आईना में एक बार फिर आपका स्वागत है। और अब बात पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की। उनकी सादगी और ईमानदारी से पूरी दुनिया वाकिफ है। उनके खामोशी के चर्चे भी खूब हुए, लेकिन अब उनके एक सवाल के खूब चर्चे हो रहे हैं। दरअसल डॉक्टर मनमोहन सिंह फिर से पंजाब यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र पढ़ाते नजर आएंगे। इसी विश्वविद्यालय से उन्होंने 1954 में एमए किया, 1957 में बतौर अध्यापक नियुक्त हुए और 1963 में यही प्रोफेसर बने। रिजर्व बैंक के गवर्नर, वित्त मंत्री और 10 सालों तक देश के प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद अब वे फिर विद्यार्थियों से मुखातिब हैं। लेकिन इससे पहले उन्होंने संसद से जानना चाहा कि इस कार्य के लिए उन्हें जो दैनिक भत्ता मिलेगा, कहीं वो लाभ के पद के दायरे में तो नहीं आएगा, क्योंकि वे अभी राज्यसभा सांसद भी हैं। पूर्व प्रधानमंत्री की यह ईमानदारी और सादगी वाकई देखकर बरबस कहना पड़ता है, खैर से रहता है रोशन नामे नेक, हश्र तक जलता है नेकी का चिराग। घूमता हुआ आईना में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात हफ्ते भर की खबरों के आईने के साथ। देखते रहिए डीवी लाइव।